Welcome students, so today now we are going to start our next topic, that is equations of motion. Equations of motion are those equations जो body के motion को एक equation की form में represent करती हैं. These relate the body's acceleration, body का acceleration, initial velocity u and the final velocity that is represented by the v and the time t और डिस्टेंस डिस्ट जो कवर्ड होता है एस, इन सभी में रिलेशन होता है जिसकी वजह से हम जो बॉडीज़ हैं उनके जो स्पीड या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं. अभी हमने उनको पहले ड्राइव करना है, तो उसके बाद वी विल बी यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे उनको. So there are three, basically three equations of motion. One is that जो velocity time relation बताती है, that is the v is equal to u plus at. This is the first equation, and the other is s is equal to ut plus half at square. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो हमें डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का रिलेशन बताती है. इसको पोजिशन टाइम रिलेशन भी बोला जाता है. एंड द नेक्स्ट इज दिस इक्वेशन, दैट इज टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर. यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, एस इज डिस्टेंस, वी इज फाइनल वेलासिटी एंड यू इज इनिशियल वेलासिटी. क्लियर? सो इनको डराइव कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ग्राफ जो तीनों क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हम, उसको एक ही ग्राफ से हम तीनों क्वेश्चन ड्राइव कर देंगे. तो फर्स्ट लुक एट अ ग्राफ, इसमें क्या है दैट वी हैव टेकन रीजन हेयर एंड दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड जो उसकी स्लोप होगी, व्हाट इट विल टेल, इट विल टेल अस एक्सेलरेशन. जो इसके अंडर एरिया आएगा, दिस वन एरिया, इट विल टेल अस अबाउट द डिस्टेंस. सो इसमें क्या लिया है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे नहीं है हमारी. हमने ग्राफ भी किया था जिसमें इनिशियली बॉडी रेस्ट पे नहीं होती, हम उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी है वो ऑलरेडी ले ली है. क्लियर? यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की ली है, दैट इज ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ तक, इट इज यू, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी मूव कर रही है एट दैट पार्टिकुलर टाइम. क्लियर? एंड उसकी टी सेकंड्स के बाद, टी सेकंड टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई टू दिस हाइट, इतनी हाइट तक हो गई. मीन्स अगर मैं इधर से भी देखूँ जिसकी हाइट यहाँ पे बी होगी, दिस इज द फाइनल जो उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, दैट इज द वी. तो अभी क्या करना है, हमने इस रिलेशन को यूज करना है. वी आर रिप्रेजेंटिंग जो हमारा इतना वाला है पार्ट, इट इज द फाइनल, सॉरी इट इज द फाइनल वेलोसिटी, वेयर एज जो मेरा इतना सा पार्ट है इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. एंड जो जिस जितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी u से v में चेंज हुई, उसको टाइम को मैंने t लिया है यहाँ पे. क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड टू द फर्स्ट. हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें स्लोप से पता चलता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. अभी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, जो फाइनल वेलोसिटी है उससे, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दूँ तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा कि कितनी मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई है ना. तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी हमें किससे पता चलेगा, इन दिस ग्राफ, दिस इज द ओ एम माइनस ओ पी. अगर मैं दिस ओ एम क्या है, वी, ओ पी क्या है, यू. अगर मैं वी माइनस यू करता हूँ तो इट गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी इन विच हाउ मेनी टाइम, टी. क्लियर? सो उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं अभी, दैट इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी.
ठीक है जी। तो अभी मैं टी को इधर ले आता हूँ, तो देट विल बिकम ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और अगर मैंने सेम इक्वेशन बनानी है तो मैं इस यू को इधर ले आऊँगा, इट विल बिकम ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। और ऑल्सो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माई फर्स्ट नंबर इक्वेशन, क्लियर। दिस इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑल्सो, सो होप दिस इज क्लियर। इसको सिंपली हमने एक्सेलेशन का फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है, दैट इज ओ एम माइनस ओ पी अपॉन ओ आर, दैट इज द टाइम टेकन। सिंपली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन।